हाय गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूँ एक बार फिर मोटोरोला सॉल्यूशन में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा मोटो Z84 5G का टॉप 5 फीचर, जबकि कमाल का दिया है। अगर आपने ये मोबाइल खरीदा है तो वीडियो को ज़रूर दिखे, आपको बहुत मज़ा आएंगे। तो सबसे पहले इसमें, जैसे कि आपको पता है कि इसमें डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक दिया गया है, जबकि बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको मोबाइल को ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो मोटो मोबाइल है इसका सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह रहेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, होम एंड लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर दिखे होम सेटिंग्स एंड लॉक स्क्रीन दिखेंगे। तो आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर, जैसे कि बहुत सारा ऑप्शन होता है मोटोरोला के हर एक मोबाइल में, इसमें नया नया फीचर्स भी आए हैं, तो मैं जो खास है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दिखे डबल लाइन क्लॉक, जैसे कि हमें ये वाला क्लॉक दिखता है यहाँ पर, जैसे कि से बजकर 59 मिनट हुआ है ये डबल लाइन। तो आप चाहे तो अगर इसे ऑफ कर देंगे, तो अगर आप अभी क्लॉक देखेंगे तो जो नॉर्मल क्लॉक है उसे आपको नॉर्मल दिखेगा। उसके बाद ये आपका अगर पसंद है तो इसे ऑन करके रखें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको स्पेशल फीचर दिखेंगे, जैसे कि गेस्टर्स एंड हैप्पी हैप्टिक्स। तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे वेक द डिस्प्ले, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे कि टैपिंग द डिस्प्ले एंड मूविंग द फोन वेक डिस्प्ले। मतलब जब भी आपका स्क्रीन ऑफ रहेगा, मान लीजिए स्क्रीन ऑफ करके आपके रखा है, जस्ट आप मोबाइल को टच करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाएंगे। और अगर आप मोबाइल को इस तरह रख के अगर आप हिलाएंगे तो भी जो है आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएंगे। अगर आप इस सेटिंग को आप बंद करना चाहते हैं तो जस्ट आपको क्या करना है, ये जो टिक मार्क है इसे बंद करके आपको रखना है। उसके बाद आप जितने भी टास्क करें या आप जितने भी मूवमेंट करेंगे तो ये जो डिस्प्ले है वो ऑन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको पसंद है, जैसे कि आपको टेपिंग करने से अच्छा लगता है तो आप रख दीजिए। उसके बाद आप बैक आएंगे तो आपको और एक यहाँ पर फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि मोटोरोला मोबाइल में पहले नहीं होता था, पुट द डिस्प्ले टू स्लीप। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यूज़ पुट द डिस्प्ले टू स्लीप, जैसे कि आपका ऑन तो होता ही है लेकिन लॉक स्क्रीन में अगर आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन स्लिप हो जाएंगे। इस ऑप्शन को ऑन करके आप अगर इसे रखेंगे, मान लीजिए कोई भी आप सेटिंग देख रहा है उसके बाद आप डायरेक्ट डबल टैप करेंगे तो स्लिप हो जाएंगे, लेकिन डबल टैप से ऑन नहीं होगा, जो सिंगल टैप हमने देखा था उससे ऑन हुआ है। इसका मतलब है कि जो डबल टैप वाला स्लिप ऑन ऑफ है वो फीचर्स यहाँ पर इनडायरेक्टली दिया गया है, क्योंकि डबल टैप से यहाँ पर ऑन ऑफ होता है। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को भी ऑन करके रखना है। उसके बाद चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट फीचर्स है, आप पर्सनलाइज पे जाएंगे, सेटिंग पे जाके यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो वॉलपेपर है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों का वॉलपेपर आप माय फोटोज़ के थ्रू सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपके जितने भी कैमराज के फ़ोटोज़ है या फिर स्क्रीनशॉट, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद स्क्रॉल करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेस्टर, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आया है 100 मोड। सो मोटोरोला मोबाइल में 20 में ये नहीं था। तो आपको अगर ये मोबाइल दिखे, एक हाथ से अगर आपको ऊपर तक पहुँच नहीं पाता है, तो आपको क्या करना है, 100 मोड को ऑन करके रखना है। उसके लिए आपको 100 मोड जो है उसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करने से आपका जो मोबाइल है वो स्क्रीन छोटा आ जाएंगे। उसके बाद जो है आप 100 मोड को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी आप सेटिंग ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे छोटा कर पाएंगे। उसके बाद आप शायद, तो अगर आप व्हाट्सएप ऑन करेंगे तो व्हाट्सएप का जो टॉप कॉर्नर है वो आप उस तक आपका फिंगर जो है पहुँचता नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्लिक करने का साथ ही स्क्रीन जो है आपका सिंपली छोटा हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने से फिर से आपका जो स्क्रीन है वो पहले जैसे डिस्प्ले में फुल फिट आ जाएंगे। तो गैस, इसी तरह और भी बहुत सारे फीचर्स है, वो सब मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।